अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, अभी हम आ चुके हैं जैसे कि अजमेर शहर में। अभी हम जा रहे हैं जो तारागढ़ के लिए ज़ियारत करने के लिए, यही ओमनी से। आप देख सकते हो हम तारागढ़ पे किस तरह से हमारी गाड़ी चढ़ेगी, वो सारा डिटेल्स हम आपको दिखाएंगे। और हम आए थे छठी शरीफ में, तो सबसे पहले हम जाएँगे तारागढ़। फिर पूरा वीडियो वॉच करना। तारागढ़ के लिए जो तारागढ़ दरगाह के लिए निकल पड़े हैं, आप देख सकते हो तो फाइनली दोस्तों, अभी यहाँ पे हम गाड़ी लाए हैं गैस भरवाने के लिए। यहाँ पे रुका गए, आप देख सकते हो। यही गाड़ी से हम अभी तारागढ़ जाने वाले हैं। आपका गाड़ी का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, अब एक बार देख लेना। यही गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक आदमी का जो अजमेर शरीफ से जो तारागढ़ के जाने के लिए, एक आदमी का 100 रुपीज़ यहाँ पर लगता है। और आप बाहर से रेलवे स्टेशन से वहाँ पर जो किराया जो परचेज करते हैं, तो 3000 रुपये जो ऐसा भाड़ा लगता है। तो आप इस तरह से आओगे तो आपको बहुत सस्ते में आप जाओगे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि इस गाड़ी में आएंगे तो एक आदमी का 100 रुपीज़ लगता है, जैसे कि अजमेर शरीफ से जो तारागढ़ के लिए जाने के लिए। तो इसी तरह आप तारागढ़ जाने तक भी मैं वीडियो शूट करूँगा, इसी तरह आप हमारे वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे अभी गाड़ी में जैसे कि आपको कितने लोग हैं आपको मैं दिखाऊंगा, एक आदमी करके देख सकते हैं। हमारा भाई साहब, भाई आपको नाम क्या बताएं? मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जाफर भाई ट्रेवल्स कर रहे हैं। हाय। और यहाँ पे कितने लोग हैं हमारे फ्रेंड्स लोग? फोन उठा, वीडियो कॉल आ जाए। ये मयाज है आपका भाई? नाम? कादर अब्दुल। कादर अब्दुल नाम बोले आपको भाई? नाम जावेद। नाम बता दो ना, नाम बताने के लिए क्या जा रहा है आपका? मिस्टर सादिक। मिस्टर सादिक, आप देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे हम फ्रेंड्स लोग यहाँ पे जो तारागढ़ के लिए निकल पड़े हैं यही कार से। अभी थोड़ी देर में हमारे कार का जो गैस भरवा लेंगे, गैस भरवाने के तुरंत हम यहाँ से अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम अजमेर शरीफ से जो तारागढ़ जा रहे थे, तो मुझे यहाँ पे जो सौरभ जस्सी की तरह ही एक मुझे यहाँ भाई साहब मिल चुके हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। प्लीज़ वीडियो में वॉच करिएगा, देख सकते हो यहाँ पे क्या कहते हैं। सौरभ जस्सी भाई कैसे? सौरभ जस्सी की तरह ही लग रहे हो आप। मेरा नाम फरहान है। फरहान है, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुजरात का हूँ, जामनगर। गुजरात जामनगर जी। तो एक बार थोड़ा फेस कीजिए, मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। और यहाँ पे तारागढ़ पे जा रहे थे क्या? तारागढ़ से हम लोग जा रहे थे, मतलब ट्रिप है हमारे, ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। बेस्ट प्लेस है इधर आने का, बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, अभी हम भी यहाँ से तारागढ़ जा रहे हैं, तो मिलके आपसे बहुत खुशी हो गई भाई। मुझे तो सौरभ जैसे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो ऐसा लगा सौरभ जैसे भाई है, लेकिन उनका कॉल नहीं रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई, बहुत अच्छे बंदे हैं। ओके भाई, थैंक यू शुक्रिया भाई।
तो फ्रेंड्स अभी फिर से हमारी गाड़ी जो निकल चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो तारागढ़ का पहाड़ में हम हमारी गाड़ी जो ऊपर के साइड चल रही है। फाइनली जो यहाँ के दरगाह के करीब पहुँच चुके हैं, अभी हम दरगाह के अंदर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी थोड़ी देर में हम दरगाह की तरफ पहुंचने ही वाले हैं, वहाँ के जो तारागढ़ के जो दरगाह शरीफ है वहाँ की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। आप वीडियो में बने रहेगा। दरगाह शरीफ को यहाँ से अंदर जाने का जो तारागढ़ में आपको हम दिखाएंगे, देख लेना जो मेरे सामने की साइड है। और आगे की तरफ जो एक घोड़ा भी है वो भी दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए हजरत, हमारा नाम सैयद अली नासिर मशदी, हम लोग तारागढ़ से ही हैं। यहाँ पर जो मीरा साहब का आस्थाना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से खादिम हैं। जो ज़ायरीन आते हैं उनकी खिदमत करना, ज़ियारत करना, यहाँ की मालूमात देना, दुआ करना, तबरुक देना हमारा फ़र्ज़ होता है। आज आप लोग आए हैं, बल्कि आए नहीं हैं, बुलाए गए। तो तारागढ़ पे जिन वली अल्लाह का आस्थाना है, आपका नाम हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार मशहरी, आप सादात घराने से हैं, आले नबी औलाद अली हैं, इमाम मोहम्मद तकी की औलाद से आप होते हैं, सरकार मीरा साहब। आपका वतन मशहद ईरान था, आप मदीना मुनव्वरा गए, सरकार दो आलम के रोज़े पर हाज़िरी दी। तारीख में ऐसा लिखा है वहाँ आपका निकाह हो रहा था, निकाह के दौरान हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया, हिंदुस्तान जाओ, परचम इस्लाम लेकर, पैगाम अहले बैत लेकर, वहाँ जाकर इंसानियत मोहब्बत का पैगाम दो, तबलीग करो। सरकार मीरा साहब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, अपने कई असहाब व अंसार के साथ आकर आपने इंसानियत मोहब्बत का पैगाम दिया, इस्लाम की तबलीगत को अंजाम दिया। सरकार मीरा साहब ने पूरे हिंदुस्तान में ये तमाम काम करते हुए जब आप यहाँ अजमेर शरीफ में तशरीफ़ लाए, तो आपने इस तारागढ़ किले को जंग में फ़तह किया। तारागढ़ का किला था, जंग में आपने फ़तह किया। यहाँ जादूगर का जोर हुआ करता था, सभी मज़हब के लोगों पर जादूगर जुल्म करता था। सरकार मीरा साहब ने
उसके जादू को ख़त्म किया, यहाँ सबकी जान बचाई। 18 रजब उल मुरजब को आपको शहादत नसीब हुई। आज भी आपका उर्स मुबारक 13 रजब से 18 रजब तक मनाया जाता है। 13 रजब को यहाँ आपके रोज़े पर परचम कुशाई होती है, झंडा चढ़ता है, उर्स की तकरीबात होती है, लंगर, नज़र, नियाज, कव्वाली प्रोग्राम, इस्लामिक प्रोग्राम, सेमिनार्स वगैरह, शिजरा खानी, फ़ातह खानी। जब आपके उर्स का आखिरी दिन आता है रजब की 18 तारीख, तो आज भी साल में एक मरतबा आपके जलाल से आपके मदार शरीफ में एक लर्जा पैदा होता है। आपकी मदार कुछ सेकंड के लिए अपने आप हिलती है, ये यहाँ की जिंदा करामत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, वो जिंदा है, बल्कि अपने परवरदिगार की तरफ से रिस्क पाते हैं। तो सरकार मीर साहब बेशक यकीनन जिंदा है, हमको आपको यहाँ हर एक आने वाले आशिक को देख रहे हैं, इनकी मुरादें पूरी कर रहे हैं, इनकी हाजतें सुन रहे हैं। सरकार मीरा साहब के आस्ताने से दो तबर्रुक मिलते हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, एक औलाद वाला फल, एक शादी वाली मेहंदी। यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है कई सौ सालों से दरबार में, वो पेड़ जो लड़का लड़कियों की शादी नहीं होती, रिश्ते नहीं आते, रिश्तों के टूट जाते हैं या फिर उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो लोग यहाँ से मेहंदी लेकर जाते हैं, यानी शादी वाला मेहंदी। और ये पेड़ का फल काम में आता है जो लोग बे औलाद होते हैं या सिर्फ उनको बेटियाँ होती हैं, बेटा नहीं होता है, औलाद होके बच्चे इंतकाल कर देते हैं बचपन में, तो वो यहाँ से उसका फल लेकर जाते हैं। देखें, देने वाली ज़ात बेशक अल्लाह ताला की है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने वली के दरबार में एक एजाज़ एक करम रखा है, जो आने वाले आशिकीन हैं अकीदत से लेकर जाते हैं, अल्लाह उनको कामयाबी देता है। ठीक है हजरत, तो सरकार मीरा साहब औलाद अली हैं, खून इमाम हुसैन है, उन्हीं का खून है इमाम हुसैन का, जिन्होंने राहिब को 7 बेटे दिए थे जिसके नसीब में एक भी औलाद नहीं थी। तो उनके दरबार से औलाद मिलना, रिश्ते होना, ये कोई बड़ी बात नहीं, आले रसूल का दरबार है। मीरा साहब के साथ तवारीख में लिखा है 12,000 का लश्कर हिंदुस्तान आया, तमाम लोग यहाँ आकर शहीद हुए। तारागढ़ पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 12,000 शहदा की दरगाह है। तो आज गरीब नवाज सरकार के उसके मौके पर आप आए हैं, बल्कि आए नहीं हैं, आपको इन्होंने बुलाया है। सरकार मीरा साहब की शहादत के बाद सरकार गरीब नवाज ने आपकी लाशों को मदफन किया, आपकी मज़ार बनाई। गरीब नवाज ने तारीख़ में लिखा हुआ, गरीब नवाज ने इनकी मज़ार बनाई। सरकार गरीब नवाज और मीरा साहब दोनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों आले रसूल हैं, औलाद अली हैं, दोनों अल्लाह के वली हैं, दोनों हिंदुस्तान आए इस्लाम फैलाने, तबलीग करने, इंसानियत मोहब्बत का पैगाम देने, पैगाम अहले बैत आम करने, दोनों वली हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। सरकार गरीब नवाज ने पर्दा फरमाया और सरकार मीरा साहब शहीद हुए। तो आज पूरी दुनिया इनके दरबारों में आती है हजरत, जो दुनियावी बादशाह थे उनकी ख़बरों के आज निशान तक के नहीं मिलते, लेकिन ये वो बादशाह हैं जो लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं। आज भी पूरी दुनिया इनके नाम लेते हुए आती है हजरत, क्योंकि ये खून अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, खून औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो आप लोग भी आए हैं, दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपकी ज़ियारत कबूल करें इन वलियों के सदक़े में, और आपकी जो भी हाजतें हैं, मुरादें हैं इस उर्स के मुबारक मुक़दस मौके पर, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करें। अगर आपके घर, रिश्तेदार, फैमिली में कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद हो जिनको वो औलाद वाला फल या शादी वाले मेहंदी की ज़रूरत हो, तो आप हमको बोलिएगा, हम आपको देंगे। औलाद वाला फल और शादी वाला मेहंदी यहाँ से दिया जाता है, उसका कोई पैसा नहीं है, बल्कि वो यहाँ का तबर्रुक है। उसका अगर कोई करोड़ों रुपए भी दे देगा तो उसका हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि औलाद की कोई कीमत नहीं होती या किसी के घर बसने की कोई कीमत नहीं होती। तो यहाँ का तोहफा हजरत ये वो दरबार है जहाँ से दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। लाखों ज़ायरीन आते हैं बाबा, कोई भी ज़ायरीन आए ये नहीं सोचे कि मैं अपनी मर्ज़ी से आ गया, नहीं, इन्होंने बुलाया है। जब तक इनका बुलावा नहीं होता है ना हजरत, इनके दरबार में कोई नहीं आता। तो आप लोग भी आए हैं, मौला आपकी दुआएं कबूल करें। पंजतन पाक अहले बैत के वसीले से, 12 इमाम 14 मासूमी, करबला के 72 शहीदों के वसीले से अल्लाह पाक आपकी सबकी ज़ियारत कबूल करें, और ये लाखों ज़ायरीन जो आ रहा है मीरा साहब इनकी ज़ियारत कबूल करें। मैं खादिम सैयद अली नासिर मशहदी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हमारे चादर यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे चादर अभी रेडी हो चुके हैं। ये चादर चढ़ाएंगे और यहाँ पे फूल भी है, ये फूल भी हम चढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों आप बने रहिएगा इसी तरह वीडियो में, आगे का हम हर प्रोसेस आपको दिखाएंगे। जो दरगाह के अंदर जो दरगाह के अंदर भी हम जाएंगे, तो पूरा वीडियो होने में होने तक जरूर बने रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक देख है, वहाँ पे एक देख है, देख सकते हो वहाँ पे एक देख है। अगर हमारे चादर देख सकते हो यहाँ पे जा रहे हैं।
ताजिया इमाम हुसैन अली मकाम सरकार का उनका ताजिया यहीं बनता। ये सामने जो बुलंद दरवाज़ा है ये बादशाह अकबर के हुक्म से तामीर हुआ था। यहाँ इसको बाबे अकबर भी कहा जाता है। जो बाबे अकबर जो बुलंद दरवाजे के करीब हम जा रहे हैं, जो बाबे अकबर बुलंद दरवाज़ा वहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे खादिम के साथ में जो हम बढ़ रहे हैं हमारे चादर के साथ में, तो फटाफट से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जाएंगे हम दिखाएंगे आपको। अभी हम यहाँ पे जो वजू खाने की तरफ जा रहे हैं, जो वजू करने के लिए हम वजू खाने की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो वजू खाना हम आपको दिखाएंगे जो तारागढ़ में वजू खाना वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वजू खाना यहाँ पे है। ये वजू खाना तो आप देख चुके होंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग वजू करने के लिए जैसे कि इस दरगाह पे आए हैं। और हमारी जो टीम वहाँ पे गई पता नहीं, हमारे चादर आ गए हक मुईन या मुईन हक मुईन या मुईन मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम। मेरा वोट निकल लेना है ना, चलाओ चलाओ इधर आओ। ठीक है बाबा दोस्तों, हम सारे लोग जो यहाँ पे दरगाह शरीफ के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी देर में हम
देख सकते हो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हमारे चादर यहाँ पे लेकर आए हैं। अभी थोड़ी देर में जो फूल और चादर हम थोड़ी देर में यहाँ पे चढ़ाएंगे जो तारागढ़ के दरगाह शरीफ पे। अब पूरा वीडियो में बने रहेगा ताकि आप भी ज़्यारत नहीं किए तो हमारे वीडियो के ज़रिए से आप भी जो यहाँ का ज़्यारत कर सकते हो। खादिम साहब ने यहाँ मिले थे जो उन्होंने जैसे कि आपके सामने जो इनके बारे में जो तारागढ़ के बारे में थोड़ा बहुत आपसे कहा ही होगा लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से ज़्यारत कराते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारे यहाँ पे जो तारागढ़ दरगाह शरीफ की जो ज़ियारत पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरे तारागढ़ में बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे यहाँ पे दोस्त मिल चुके हैं। आपको मैं दिखाऊंगा जो मेरे पीछे की साइड आ रहे हैं मुझे कब से कॉल कर रहे थे जो तारागढ़ दरगाह शरीफ मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो अभी यहाँ पे हैं। मैं आपको दिखाऊँगा जो मेरे पीछे की साइड जो तारागढ़ की दरगाह के पास में जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो मिल गए थे। आपको वेलकम पानी आ जाओ। इस तरह से मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो तारागढ़ में मिले थे ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। भाई को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सुनाते रहो फॉलो करो फॉलो करो लाइक करो सब करो लाइक दबाओ तो भाई के भी टिक करो। तो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं प्लीज एक लाइक कर दो हां लाइक करो फॉलो करो शेयर करो। भूख लगी थी अब हम होटल के सामने बैठ रहे हैं। होटल में आ गए जो हमारे फ्रेंड्स सारे जो यहाँ पे बैठे हैं देख सकते हो हमारे सारे फ्रेंड यहाँ बैठे हैं। अब बैठो तो फाइनल दोस्तों हमारी बिरयानी यहाँ पे आ गई। हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर किया था मेरे दो बिरयानी और निकाल। हाँ तो अभी यहाँ बिरयानी आ गई फटाफट से खा लेंगे अभी। तो फ्रेंड्स हम लोग एसी होटल पे खाए थे हम लोग यहाँ एसी होटल में खाए थे। अब हम निकल रहे हैं इस होटल से। अब देख सकते हो इस गली में